हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, यानी रमजान का डाइट प्लान मैं लेके आई हूं, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ इसे लाने में, क्योंकि मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आप लोग साथ आई हूँ। फुल मैंने आप लोगों के साथ डाइट प्लान जो है बनाया है, देन इस डाइट प्लान के बाद मैं आप लोगों को एक डिटॉक्स, आज मैं आप लोगों के साथ रमजान का डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कल मैं डिटॉक्स ड्रिंक शेयर करूँ, परसों मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग ड्रिंक शेयर करूँ। तो ये सारा जो है मैंने नोट्स रेडी किए हैं और किस तरह से क्या लेना है वो सब कुछ है। रमजान जो है पूरा एक महीने का है टाइम पीरियड, जिसमें आप 15 से 20 किलो इजी हो के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि जब भी आपका जो आप शाम को अपना व्रत ओपन करते हो, उसमें आपको खींच के पानी नहीं पीना है। कौन सा वाटर पीना है वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपने खींच के पानी के पी लिया तो बहुत गंदा वाला मोटापा वो आपको देने वाला है, और गर्मी बहुत है। मैं फैन ऑफ करके आप लोग साथ बात कर रही हूँ, बिकॉज फैन ऑन किया तो उसकी वॉइस से आपको मेरी जो है वो वॉइस सुनाई नहीं देगी। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है। और लिक्विड जो है, यानी कि लिक्विड 3 लीटर रखना है, पानी 3 लीटर रखना ही रखना है। हो सके तो डिटॉक्स ड्रिंक रखिएगा, नॉर्मल वाटर आपकी बॉडी में नहीं रुकेगा। अगर आपने डिटॉक्स ड्रिंक लिया है तो फुल डे आपको उतनी प्यास नहीं लगेगी, और वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में धीरे धीरे जो आप रिलीज होता रहेगा जो भी आपने डिटॉक्स वाटर लिया है। तो मॉर्निंग में जब भी आपका जो शहरी होता है, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, जो मॉर्निंग में आप लोग उठते हैं, कोशिश करके आधा या पौन घंटा पहले उठिए। जो गोंग होता है, आई थिंक ऐसा ही कुछ होता है, उससे पहले उठिए आप। उठिए, आपको जो मॉर्निंग ड्रिंक लेना है वो कल मैं परसों आप लोग बताऊंगी, वो मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए। देन उसके बाद आपको एनर्जी पूरे दिन मेंटेन करनी है, तो कुछ ना कुछ आपको ड्राई फ्रूट्स लेने ही लेने हैं। 4 आलमंड्स ले लीजिए, देन उसके बाद 1 वॉलनट ले लीजिए, ये पूरा भर के आप इसे खाइए। देन बारी आती है आपको नाश्ते में क्या लेना है। देखिए, कोशिश करके जितना भी ऑयली फूड है, शुगर है, अपनी डाइट से काउंट डाउन कर लीजिए 1 महीने के लिए। इसमें कोशिश करके आप 2 मल्टीग्रेन चपाती लेंगे। मल्टीग्रेन आटा फ्री होके मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो आटा घर में भी बता सकती हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मल्टीग्रेन या फिर बेसन का चिल्ला लेके आऊँगी। मतलब मैंने ऑलरेडी उसे जो है वो वीडियो बना लिया है, लेकिन आप लोग साथ अभी शेयर नहीं किया है। वो आप मॉर्निंग में 2 ले सकते हैं। आप कोई भी थोड़ी सी सब्जी ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ये चीज़ें आप अपने मॉर्निंग की डाइट में शामिल। जो लोग मॉर्निंग में इतना हैवी नहीं खा सकते, मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो इतना हैवी मॉर्निंग में नहीं लेती हैं, तो आप मसाला ओट्स ले सकते हो। अब तो पाव भाजी ओट्स आ गया है, वो वाला ओट्स ले खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है। आप वो ओट्स ले सकते हो, साथ में दही ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्मूदी प्रिफर करते हो, आप उस स्मूदी ले सकते हो। देन उसके बाद आपको अपना जो मॉर्निंग शहरी है उसे एक डिटॉक्स ड्रिंक के साथ फिनिश करना है, और आपका जो मॉर्निंग का है वो कंप्लीट हो गया है। तो और क्योंकि आप इतना ज़्यादा फास्टिंग, आप 15-16 आवर फास्टिंग रखने वाले हो, तो आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं एनर्जी निकलेगी, आपका फैट गलेगा। लेकिन अगर ये बॉडी पूरे प्रोसेस में है, और जैसे ही आपकी इवनिंग में आपने जैसे ही वो गोंग बजाओ और आप पूरा ऑयली और इन सब पे टूट पड़े, तो जितनी भी मेहनत आपने दिन में की है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो भी बॉडी ने आपसे फैट लिया है वो आपने शाम को फिर लेके अपनी बॉडी को फिर दे दिया। लेकिन अगर शाम को आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि आपको क्या खाना है, तो बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, बहुत अच्छा फैट लॉस होगा। देखिए क्या होता है, जब आप फास्टिंग रखते हो तो फास्टिंग में जो भी सड़े गले सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, किसी भी चीज़ के वो हो सकते हैं, इवन कल्चर के वो शायद आपको कैंसर बना दें, इवन कल्चर के आपको वो थायराइड बना दें, कल्चर के वो कोई भी बड़ी बीमारी बना दें। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी उन सड़े गले सेल्स को यूज़ कर लेती है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यानी फास्टिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप स्वस्थ रहते हो, जितना भी गंदी चीज़ें हैं वो बॉडी से लेके उसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देती है, तो कहीं ना कहीं आप बीमारी से बचे रहते हो। लेकिन अगर आपने इवनिंग में अपना रूटीन ख़राब किया तो आपका ये पूरा दिन की मेहनत जो है वो चली जाएगी। तो शाम को आपको क्या करना है, जैसे आपका जो गोंग बजा उसके बाद आपको क्या करना है, अपना आपको 2-4 डेट्स खाने हैं, खजूर खाने हैं। उसके बाद जो मैंने डिटॉक्स ड्रिंक बताया है वो बताऊंगी, वो आपको लेना है, वो आराम से फ्री होके उसे लेना स्टार्ट कर दीजिए। देन उसके बाद आप
उसके बाद आप पूरा एक बाउल भर के फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट चाट बना के ले सकते हैं, स्प्राउट चाट ले सकते हैं, इवन आप कोल्ड कॉफी ले सकते हैं, इवन आप स्मूदी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लेनी है, मतलब कि इन्हीं चीजों में आपको लेना है। आप एक बार लीजिए, देन अगर आपका पेट नहीं फिल कर रहा है तो आप रात में 11 बजे लेके इसे फिनिश कर सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक कंटिन्यू करिए रात से, जिस समय भी आपको गोंग बजे उस समय से लेके मॉर्निंग में जब आप फास्टिंग करने वाले हो, 3 लीटर आपको वो डिटॉक्स ड्रिंक लेना ही लेना है। और नाइट ड्रिंक भी मैं बहुत जल्दी, वो जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसी में मैं ऐड कर दूंगी आपका नाइट ड्रिंक, तो वो दोनों चीज आपको लेनी लेनी है। फुल डे आप फिल करोगे जब आपका, जिस दिन भी आपका जो रमजान पूरा होगा उस दिन आप जब मशीन में खड़े होगे तो आराम से 15 से 20 किलो आपकी बॉडी से वेट जाएगा ही जाएगा, मतलब वो तो कट डाउन होना ही होना है। साथ में जो बॉडी पे फैट, पर्टिकुलर आपके हैंड पे, पेट पे, जहां जहां जमा है वो आपकी बॉडी से गल के पूरी तरह से निकल। अगर ये वीडियो आपको जरा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो फिर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।